मास्टर डायरेक्टर अल्फांसो कुआरोन की रोमा साल 2018 में रिलीज हुई थी। कुआरोन ने अपना बचपन 1970s की मेक्सिको सिटी में एक मिडिल क्लास फैमिली में बिताया है और ये फिल्म उनके बचपन की मेमोरीज पर बेस्ड है। कुआरोन ने न सिर्फ इसे डायरेक्ट किया है बल्कि इसका कैमरा वर्क भी उन्होंने ही संभाला और इसकी ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमेटोग्राफी पर कुआरोन की छाप महसूस की जा सकती है। ये फिल्म एक घर में हाउसकीपिंग और नैनी का काम करने वाली लड़की क्लेओ की सिंपल लेकिन उलझी हुई जिंदगी को दिखाती है। जिस घर में वो काम करती है वहां पति पत्नी के बीच का रिश्ता बस टूटने की कगार पर है। पति की जिंदगी में एक नई लड़की आ गई है। उसकी पत्नी और बच्चों को क्लेओ एक भावनात्मक सहारा देती है। इस घर से अलग उसकी एक निजी जिंदगी भी है जिसे उसके बॉयफ्रेंड ने मुश्किल बना रखा है। क्लेओ के प्रेग्नेंट होने पर वो उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। रोमा दरअसल सोशल रियलिज्म पर एक इनक्रेडिबल फिल्म है जो कि क्लेओ के नजरिए से कही गई है। ये फिल्म आर्टिफिशियल लाइफ और रियल लाइफ के बीच का अंतर साफ करके रख देती है। अपनी फिल्मों की फीमेल लीड्स को कुआरोन बहुत मजबूती के साथ रखते हैं और इस फिल्म में भी हमें वो देखने को मिलता है। रोमा को एकेडमी अवार्ड्स में 10 कैटेगरीज में नॉमिनेशंस मिले थे जिनमें से 3 ऑस्कर्स इसे मिले भी। इनमें बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड भी शामिल था। ये पहली मैक्सिकन फिल्म है जिसे ये अवार्ड दिया गया था।